कल एक दिल्ली में मंत्री ने आपसे इस्तीफा दिया और उन्होंने कहा है कि आप जो है वो समाजवादी भ्रष्टाचार को लेकर के बनाई गई थी कि जो उन पर कानून बनाए जाए, लेकिन खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना, उन्होंने कह दिया जो अपना बात। जैन जी, आज आप सिकंदराबाद में आए हुए हैं, आज आपकी यहाँ जनसभा होनी है, क्या कहेंगे? जीत को लेकर कितने आश्वस्त? भटाना मेरा गाँव है और यहाँ मेरे परिवार के सब लोग, जिम्मेदार लोग उपस्थित होंगे। आज शुभ अवसर है, मैं ईद की बधाई देता हूँ देशवासियों को। नववर्ष का त्यौहार चल रहा है और इस पाक पावन अवसर पर एक संदेश अपने लोगों को दूंगा। मलुक नागर जी, वरिष्ठ नेता और सांसद बिजनौर से, ये सह परिवार आज लोकदल में आए हैं। हमारा कुनबा बढ़ रहा है और गति के साथ हमें NDA को मजबूत करना है। यहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा जी और बुलंदशहर से भी BJP के प्रत्याशी के पक्ष में भारी मतदान करके मुझे भी मजबूत करें और 400 पार के नारे को पूरा करें। जैन जी, आकाश ने कहा था अभी मंच से कि समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था कि टोपी लगाने वाले लोग खुद जो है उनको टोपा पहना रहे हैं। सुनो, जो दूसरा आदमी तीसरे को कह रहा है, मैं क्यों उसमें पढूं? क्या कहना है? आप ही कह रहा है सर, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जैन जी, टिकैत जी भी कहीं ना कहीं जाट वोटों को प्रभावित कर रहे हैं, तो इन जाटों को किस तरह से आप भाजपा के पक्ष में लाने के लिए क्या स्ट्रेटजी है? देखो, आप वो किसानों के लिए काम करते हैं, सामाजिक उनको चौधरी हम लोग मानते हैं और सामाजिक फैसले वो लेते हैं। समाज के उन फैसलों के साथ समाज का हर वर्ग जुड़ता है। जाटों की बात मत करो, और राजनीति भी एक जाति से नहीं होती। लोकदल एक जाति को लेकर नहीं चलती है, हमारे अपने मुद्दे हैं। उनका कहना उनका हक है, जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं। अच्छा जैन जी, क्या राहुल गांधी की पैदल यात्रा भी इस चुनाव में कुछ काम आएगी? अच्छा है, संघर्ष मेहनत किया है उन्होंने, ये काम ही मेहनत का है, बाकी जनता के हाथ में क्या होगा। जैन जी, अखिलेश ने कहा है ये सीधा रिजल्ट नहीं होता कि मैंने इतनी मेहनत करी तो मुझे इतना रिजल्ट चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है भाजपा फिर सत्ता में आई तो वो वोट का अधिकार खत्म कर देगी, क्या आपको ये फालतू की बातें हैं? संविधान के मूल ढांचे से सरकार कोई भी आ जाए, संविधान के मूल ढांचे को कोई भी सरकार नहीं बदल सकती। हम लोग क्या वहाँ बैठ के ताली बजाएंगे? नहीं होने देंगे, ना हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, मूल ढांचे के साथ कोई खिलवाड़ सरकार कर ही नहीं सकती, ना वो सरकार करना चाहती है। नागरिक के अधिकारों के लिए सरकार बहुत सजग और सचेत है। 10 साल के रिकॉर्ड को आप देख सकते हैं और अगले 5 साल बहुत अच्छे होने वाले देशवासियों के लिए। लोकतंत्र भी मजबूत रहेगा, कोई विरोध करना चाहता है विरोध भी कर सकता है, उसकी भी हम लोग कोशिश करें कि सुनवाई हो। जैन जी, क्या आपको लग रहा है कि UP में 80 सीट भाजपा ले जाएगी? मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि 80 में से कौन सी सीट इंडिया ले जाएगी। मैंने ये बात कही, हमारा जो सिंबल है नल, हैंडपंप नल जी, और भाजपा का कमल है, कमल को भी पानी की जरूरत है तो कमल खेलेगा, और ये जो साथ है इसमें मेल बन गया, तुकबंदी भी बन रही है, मुद्दे भी बन रहे हैं, काम भी हो। और साइकिल के लिए क्या बोला था, आप पानी से खेल जाएगा, वो तो जनता के हाथ में फिसल ही रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।